हुए, पढ़ाई करते करते भी बच्चे यहाँ पे अर्न करते हैं हमारे बच्चे। हाँ जी, जैसे साथ साथ पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, लोग ऑर्डर देते हैं हमें भी पोर्ट्रेट्स कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट लैंडस्केप्स वगैरह, तो बच्चे वो अर्न करते, वो बच्चों को दिए जाते हैं पैसे। कहाँ से हैं? मैं लद्दाख से। तो लद्दाख से यहाँ पढ़ने आए हैं, तो हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि हमारे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में लद्दाख से पढ़ने आया है बच्चा। आप कहाँ से हैं? नेपाल से। आप नेपाल से हैं? वो देखिए, हमारे कॉलेज की हंसराज महिला महाविद्यालय की प्रख्याति कितनी बढ़ गई है कि दूसरे देश से भी स्टूडेंट आ रहे हैं। लीना है बिहार से, लीना से बात करते हैं। लीना, कैसे हैं आप? और बिहार से यहाँ पढ़ने आई हैं? तो देखिए, हमारे यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हिंदुस्तान में आसपास के देशों में टैलेंट बहुत भरा हुआ है। जो इस लैब में काम दे रहे जितेंद्र थोरा जी, महाराष्ट्र से हैं, मराठा हैं, और पंजाब और मराठा का इतिहास है, पंजाबी अफगान से और मराठा मुगल से लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं, जिंदगी का संघर्ष कर रहे हैं। लद्दाख से आई हैं और इन्होंने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो पत्ते खुद से गिर गए हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं है, उन्हें अपनी कला से जीवंत किया है इन्होंने। तो आप अपना नाम बताएंगी? हरप्रीत कौर। हरप्रीत, कितनी देर से बैठी हैं यहाँ पे? मैं सुबह से बैठी हूँ, 8:30 से। 8:30 से? हाँ जी, 8:30 से यहाँ बैठी हैं, 12:30 बज गए हैं। आर्ट जो है ये कोई आसान काम नहीं है। किसी भी चीज को बनाना, अपने मॉडल को देखना, मॉडल की मेहनत है और बनाने वाले की मेहनत है। आपको कैसे पता लगा कि आपके हाथ में वो बात है कि जो हम उसको पर्दे पे उतार सकते हैं? सर, स्टार्टिंग से ही हमारा पैशन था आर्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग 11th 12th में आर्ट लिया था। फिर मेरे माइंड में था कि कुछ डिफरेंट किया जाए, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पैशन में। आप सच में डिफरेंट कर रही हैं, एक साइड पोज को इन्होंने पर्दे पर उतारा है। नाम है मान्यवर संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दा पोल खोल टीवी। पंजाबी प्रेस क्लब की एक मुहिम है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन को आप आज की तारीख में समझते हैं साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉट साइंस, आप एजुकेशन को इस तरफ देखते हैं, लेकिन एक शिक्षा ऐसी भी है जो आपकी आत्मा को छूती है और बताती है कि आप क्या हैं। मेरा रवैया थोड़ा सा नरम है, नरम इसलिए है क्योंकि जिस चीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ वो दिल से निकलती है, किताबों से नहीं। आइए कुछ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं कि कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, एक हल्का सा स्केच बनाया गया है, फिर इसको बढ़ते बढ़ते एक औरत के, एक महिला के अलग अलग रूपों को दिखाया गया है, एक आर्टिस्ट कह सकता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कलरफुल पेंट, बिल्डिंगों के नक्शे बनाए गए हैं। आइए आपको एक पोजीशन दिखाता हूँ, और हम खड़े हैं हंसराज महिला महाविद्यालय की स्किल डेवलपमेंट की फाइन आर्ट्स की क्लासेस के बाहर, और जो दिखा रहे हैं ये कुछ बच्चे हैं। इन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की है, इन्होंने कोई मैथमेटिक्स का सोल्यूशन नहीं किया है, इन्होंने कोई कॉमर्स की डिग्री नहीं ली है, इन्होंने वो बनाया है जो भारत की आत्मा में बसता है। तो ये मेरिट पे पोजीशन है इनकी। ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए। अगर आप अपने बच्चे को जोर डाल रहे हैं कि वो कॉमर्स ले, साइंस ले, लेकिन फाइन आर्ट्स भी एक सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि हम आज भी इंसान हैं। आइए इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नीरू जी से बात करते हैं। है आप, मैं अपना माइक अपने हाथ में ले लेता हूं, तभी इनसे बात करने में आसानी होगी मुझे। हाँ जी। नीरू जी, मैंने अभी जो कहा आपने सुना। हाँ जी, हाँ जी सर। मुझे कहीं कुछ ठीक करना चाहेंगी या मैंने ठीक कहा? नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा है। ये एक सॉफ्ट आर्ट है हमारी, ललित, जिसको कहते हैं ललित कला। ललित कला मीन्स फाइन आर्ट्स। ये अकेला हमारा ड्राइंग एंड पेंटिंग ही नहीं, इसमें आता है, इसमें आर्किटेक्चर भी आ जाता है, इसमें म्यूजिक भी आ जाता है, इसमें डिजाइन भी आ जाता है, इसमें सारे। आपने कहा म्यूजिक, म्यूजिक कैसे आ जाएगा? ये परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होता है, ये आर्ट्स, इसमें सारे आर्ट्स आ जाते हैं फाइन आर्ट्स के अंदर, ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, पर हम ड्राइंग एंड पेंटिंग को ही अब ज्यादातर खास करके ये कहते हैं जी ये फाइन आर्ट्स, पेंटिंग और ड्राइंग एंड और भी काम होते हैं। मैंने सुना क्ले से भी काम। हाँ जी, क्ले से भी होता है, मूर्तियां भी बनती हैं, लकड़ियों पे भी काम होता है, प्रिंट मेकिंग करते हैं जिसमें वो लकड़ी से में कार्विंग करते हैं, पहले ड्राइंग करते हैं पेपर पे, फिर उसको वुड पे कार्विंग करते हैं। ये क्या मतलब, क्या अभी समय है ये जो
बच्चों में होड़ लग गई है कि साइंस ही करनी है, मैथ ही करना है। ये जो है ये जिस बच्चे में ज्यादा क्रिएशन होगी, जिसके अंदर इमेजिनेशन तो सबके अंदर होती है सर, पर ये निकालनी पड़ती है अपने अंदर। बच्चे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास फाइन आर्ट्स के लिए आते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो बाय बर्थ होती हैं, हमारे पास आते हैं, हम बहुत कुछ सिखाते हैं और इनको पॉलिश करते हैं। अच्छा, कितने ईयर का कोर्स है ये? 4 साल का है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA, ये 4 साल का कोर्स है। तो 4 साल में बच्चा पूरा परफेक्ट होकर यहाँ से जाता है। इस कोर्स को करने के बाद कैसे, मतलब इसके साधन क्या है, काम क्या मिलता है इसके बाद? साथ साथ बच्चे भी, जैसे हमारा है अन वाइल्ड टू लर्न, लर्न करते हुए पढ़ाई करते करते भी बच्चे यहाँ पे अन करते हैं हमारे बच्चे। हाँ जी, जैसे साथ साथ पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, लोग ऑर्डर देते हैं हमें भी पोर्ट्रेट्स कलर में, ब्लैक एंड वाइट लैंडस्केप्स वगैरह, तो बच्चे वो अन करते, वो बच्चों को दिए जाते हैं पैसे। तो ये एक कला है। हम अब उनकी लैब्स दिखाएंगे आपको कि लैब्स में क्या हो रहा है और बच्चे कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, हम फाइन आर्ट्स की एक लैब में हैं जहां पेंटिंग से रिलेटेड कुछ करवाया जा रहा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? हेलो सर, फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब हमें कुछ बताएंगे आज इस लैब में क्या हो रहा है? इस लैब में सर, ये एक्चुअली इनका सब्जेक्ट है मॉडल ड्राइंग। तो मॉडल ड्राइंग में एक पोर्ट्रेट एक सब्जेक्ट है इनका। पोर्ट्रेट मीन्स होता है कि लाइव मॉडल को बिठा के हम उसके स्टडी करवाते हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं इनको बिठाया है? यस सर, इनको बिठाया है, सामने बैठे हुए हैं। अब इनका बॉडी प्रोपोर्शन, फेशियल एक्सप्रेशन, कलर स्कीम एंड लाइट एंड शेड्स, ये सब कुछ स्केच करके पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद उसको इम्प्रूव करके एंड कलरिंग करते हैं। हमारा कैमरे ने भी इनको देखा है। यस सर, देखिए चलें इनके क्या बनाया। आइए प्लीज। श्योर श्योर, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा। ये अभी इनकी बेसिक ड्रॉइंग कर रहे हैं बच्चे। बेसिक ड्रॉइंग कर रहे हैं, पहले रफ पेपर पे करते हैं, फिर उसके बाद। आपका नाम क्या है? माय नेम इज हितैषी। हितैषी, हितैषी ये ठीक बन रहा है? कोशिश है। आइए आपको कुछ और ड्राइंग दिखाते हैं। वो फोटो आपने देखी है, ये बच्चा लगभग करीब करीब पहुंचा हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? मुस्कान। है? मुस्कान, 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 या आप लगभग ठीक ठीक बना रहे हो, तो बहुत अद्भुत आर्ट है। मैंने तो शूट करने से पहले ये सोचा ही नहीं था। मुस्कान ने तो हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दी है, और एक बच्चा और बना रहा है। आप बताएंगे अपना नाम? माय नेम इज जसनूर कौर। क्या नाम है? जसनूर कौर। जसनूर कौर, जसनूर ठीक बनाया आपने? हाँ जी। देखें उधर, उधर देखें, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि उन भाई साहब की फ़ोटो दिखाएं। इनका पोर्ट्रेट बन रहा है, जो हमारे मॉडल है, तो ये बन रहा है। जसनूर भी अच्छा कर रहे हैं, ये काफ़ी डेप्थ में चली गई, फेस को देख रही है। पर मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ बच्चों को देखकर। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यंगचन। यंगचन, यंगचन। तो आप कहाँ से हैं? मैं लद्दाख से। लद्दाख से, तो लद्दाख से यहाँ पढ़ने आए हैं। तो हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि हमारे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में लद्दाख से पढ़ने आया है बच्चा। तो आपने कैसे चूज किया भी HME में मैंने पढ़ना है? वो मुझे फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट था सर। फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट, तो लद्दाख से लेकर जालंधर तक फाइन आर्ट्स में कोई और अच्छा कॉलेज नहीं है? मुझे तो आपको कैसे पता लगा हंसराज महिला महाविद्यालय के बारे में? मैंने पोर्टल पे देखा था। पोर्टल पे, नेट पे। नेट से देखा था, ओके। तो आप, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा ये दिखाएं। तो यंगचन, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप ठीक बना रही हैं? यस। हैं? यस। काफ़ी हद तक ठीक बना रही हैं। शैलेंद्र जी, एक्चुअली ये आपने हाथ से डिजाइन किया? यस सर, अब ये फ्री हैंड ड्राइंग किया है इन्होंने। अब ये धीरे धीरे जैसे ड्राइंग इनका परफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ड्राइंग के साथ फिर इसको कलरिंग, इसमें फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन एंड देन फाइनल टच, तो इस टाइप से इम्प्रूव करते हैं पोर्ट्रेट। एक सबसे ज़रूरी बात यह है, जब ये बच्चा यहाँ से निकलेगा अपनी 8 सेमेस्टर के बाद, 4 साल की डिग्री करने के बाद, तो लद्दाख में फ्यूचर है इसका? यस सर, मतलब ये न्यू स्कोप बन सकता है सर, क्योंकि हर चीज़, मतलब सब नए नए फील्ड में काम करना चाहते हैं। लद्दाख में लोग नए नए फील्ड में काम करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, एक सर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ये प्रधानमंत्री स्कीम है, वहाँ से जम्मू एंड लेह लद्दाख के जितने भी बच्चे हैं
वो उस स्कीम के थ्रू एडमिशन लेते हैं डिफरेंट कोर्सेज में। Okay. तो उसके थ्रू ये बच्चा आया हुआ है। ऐसे इस स्कीम के थ्रू कई हर साल बच्चे आते हैं हमारे पास, जम्मू के भी बच्चे हैं, कई बच्चे हैं भाई इस साल भी आएंगे। पिछले साल सुजाता अग्रवाल वो हमारी टॉपर्स रही है, आप बाहर लिस्ट देख रहे थे वहाँ पे उसकी फोटो लगी है, वो हमारी टॉपर बीएफए की टॉपर स्टूडेंट है सुजाता अग्रवाल फ्रॉम जम्मू। तो ये बच्चे भी उसी स्कीम के थ्रू आए हुए हैं। यंगचंद से बात करके हमें अच्छा लगा। तो हम लद्दाख जो है आज जालंधर में आ गया है, वो मुस्कुरा रही थी देख कर, तो वो भी हमें अच्छा लगा कि हमारे यहाँ पर बच्चा वहाँ से आकर कितना खुश है। तो ये देखिए बच्चे बना रहे हैं, कोशिश अच्छी है। आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, यहाँ से बड़ा बन गया इतना पोर्शन? क्योंकि लाइट एंड शेड देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन ज़्यादा डार्क। मैं शैलेंद्र जी की राय लेता हूँ। शैलेंद्र जी आपको लगता नहीं ये कुछ ज़्यादा? अभी ड्राइंग की थोड़ी मिस्टेक्स है, वो इम्प्रूव करेंगे हम। ओके, धीरे धीरे। तो इसको जब ये अगर कुछ लगता है आपकी गाइडेंस करेंगे ये ठीक नहीं बना तो इसको ये रब कर देंगे? यस, वो इरेज हो जाता। अरेज हो जाता। ये टैलेंटेड बच्चे हैं, इनके हाथों में हमारे देश की कमान ही नहीं है, हाथों में इनके जादू भी है। तो अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्रेट बन रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो ज़रा इधर आ जाए। देखिए डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्रेट जो बच्चे बना रहे हैं, इनके हाथों में जो शफा है इसका साइड पोर्शन बना रही हैं। अच्छा, अभी आप इस तरह बैठी हैं, आप कहाँ से हैं? नेपाल से। आप नेपाल से हैं। वो देखिए हमारे कॉलेज की हंसराज महिला महाविद्यालय की प्रख्याति कितनी बढ़ गई है कि दूसरे देश से भी स्टूडेंट आ रहे हैं। तो आपने क्या सोचा जो नेपाल से आप इधर पढ़ने आए? इंडिया में ज्यादा चीज स्टडी होती है। आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया? ठीक है, तो जरा पता लगे नेपाल और भारत मिले हैं आपस में, आवाज अच्छी आनी चाहिए। वो कोर्स करने के लिए इधर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे पहले से स्टडी करती है ना। किसी ने? ठीक है, तो एक बच्चा सर इसमें बिहार से है। अच्छा, बिहार से भी हैं? अलीना बिहार से हैं। और मुझे आपके एक बात मुझे अच्छी लगी कि आपने जो मॉडल बिठाया है वो जिसको जो फेस नजर आ रहा है उसकी तरफ से वो ड्राइंग कर रहा है, उसी के एंगल को वो ड्राइंग कर रहा है। तो इलीना है बिहार से, इलीना से बात करते हैं। इलीना कैसे हैं आप? और बिहार से यहाँ पढ़ने आई हैं? यस सर। क्या खास लगा यहाँ? सर यहाँ का जो भी है स्किल अच्छा है, स्किल अच्छा है। तो देखिए हमारे यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हिंदुस्तान में आसपास के देशों में टैलेंट बहुत भरा हुआ है। शैलेंद्र जी ने हमें ये लैब दिखाई है। शैलेंद्र जी और कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत कुछ बनाया हुआ है, पेंटिंग्स भी हैं सर। ये सभी इन्हीं बच्चों ने बनाई है? हाँ, इन्हीं बच्चों ने, ये कुछ पास आउट हो गए जो इनके कंपोजिशंस हैं। आइए देखते हैं, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा वो जरा दिखाएं। अच्छा, ये जो शायद वो यही इसी मॉडल की वो तस्वीर है वो जो बनी है? यस, वो पुराने बच्चों ने, पुराने बच्चों ने किया था। मॉडल आपका वही है? मॉडल चेंज भी होते रहते हैं, मॉडल चेंज भी होते रहते हैं। तो देखिए जो इस समय मॉडल है उनकी ही तस्वीर भी लगी हुई है। सर ये सब हाथ से बनाया गया है? ये हाथ से, ऑयल ऑन कैनवास, ये पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन है। ओके, वुमेन नारी शक्ति को दिखाया है। ओके, ऑलरेडी वुमेन नेक्स्ट स्टडी का है। ये एक बीएफए फिफ्थ सेम का एक बच्चा है, उसका भावना का है ये पेंटिंग बनाई, ऑयल ऑन कैनवास स्टडी पर, कि बच्चे कैसे, छोटा बच्चा भी कैसे क्यूट और मतलब स्टडी पर्पज से उन्होंने बुक्स को डिजाइन किया, प्लस पक्षियों को भी उन्होंने ड्रॉ किया है, इसलिए कि ये नेचुरल होते हैं और नेचुरल से बच्चे भी नेचुरल होते हैं, दोनों की नॉलेज भी नेचुरल होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कंपोजिशन बनाया। आपका आर्ट ही नेचुरल है? yes. ये कुदरत ने बनाया है। अभी ये इनकी ड्राइंग लैब है, हम आपको इनकी एक और लैब दिखाएंगे जहाँ लकड़ी का कुछ काम है। इनकी एक दूसरी लैब में पहुँचे हैं, इस लैब में क्ले से भी काम होता है, वुडन की डिजाइनिंग होती है। हमारे साथ इनके प्रोफेसर हैं जो इस लैब में काम दे रहे, जितेंद्र थोरा जी, महाराष्ट्र से हैं, मराठा हैं, और पंजाब और मराठा का इतिहास है, पंजाबी अफगान से और मराठा मुगल से लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं, जिंदगी का संघर्ष कर रहे हैं। कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। अच्छा लगा आपसे मिलके। कुछ बताएंगे इस लैब के बारे में? ये बीएफए फर्स्ट ईयर की लैब है, इसमें पहले तो ड्राइंग सब्जेक्ट है, ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग, 3D डिजाइनिंग, क्ले मॉडलिंग, और इनको ड्राइंग के सारे सब्जेक्ट, ड्राइंग बेसिक ड्राइंग है, जैसे लाइफ ड्राइंग हो गया, स्टिल लाइफ हो गया, लैंडस्केप हो गया, ये सारी चीज़ें बेसिक यहाँ पे। अच्छा, ये जो डिजाइनिंग कर रहे हैं इसको बाद में कंप्यूटर पे लेके जाते हैं? जी, इनका एक ग्राफिक डिजाइनिंग का भी एक सब्जेक्ट है,
वहाँ पे ये कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको और भी आगे लेके जा सकते हैं हम अलग अलग, मतलब एनिमेशन में या लैंडस्केप डिजाइनिंग में, लैंडस्केप काम किया तो हम बैकग्राउंड के लिए जो मूवी में जो बैकग्राउंड्स बनते हैं वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग। हाँ जी, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो हम आपको इनके साथ एक बच्चे को भी मुलाकात कराएं, तो ये बच्चा लद्दाख से है, पहले भी हमारे साथ आया था, इनका नाम है यंग चेन। मुझे इनका नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रहा था पर मुझे याद रह गया। चलो, इन्होंने कुछ बनाया है, अब मैं अपने कैमरा में इसको जरा पास से दिखाएं। आपको लग रहा होगा कि ये लकड़ी का है, जी हाँ ये लकड़ी का ही है, लेकिन ये पत्ते लगाए गए हैं, ये पत्ते वो हैं जो पेड़ों से गिर गए थे सूख कर, उनको लगाया गया। यंगचंद, मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। तो मुझे आपने ये जो बनाया है इसके बारे में कुछ बताइए। ये मैंने 3D सब्जेक्ट पे बनाया था सर। ओके। जिसमें हमें कोई भी मॉडल बनाना था नेचुरल चीज़ों से यूज करके सर, तो इसमें मैंने जैसे जो लकड़ी टुकड़े गिरे होते हैं और पत्ते सूखे उन सबको यूज करके यहाँ पे मैंने शिप का वो मॉडल बनाया सर। बहुत अच्छा है, यंगचंद लद्दाख से आई हैं और इन्होंने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो पत्ते खुद से गिर गए हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं है, उन्हें अपनी कला से जीवंत किया है इन्होंने। तो अब ये चाहे पढ़ाई करके वापस लद्दाख चली जाएंगी पर उनका बना हुआ मॉडल यहाँ पे हमें इनकी हमेशा याद दिलाएगा, कुछ ऐसा ही है। चलिए आइए इनकी लैब देखते हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वे आगे आ जाएं। चलंदर जी, ये क्या ये क्ले से काम कर रहे हैं? ये क्ले से है, ये क्ले मॉडलिंग, मतलब पहले हम ड्राइंग तैयार करते हैं, जो बेसिक ड्राइंग है जो भी हमें जो बनाना है उसका पहले ड्राइंग करेंगे, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे क्ले में, कि क्ले में वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कितना साइज होना चाहिए। जब ये क्ले में बना लेते हैं तो फिर क्ले तो खराब हो सकता है कुछ समय, मोल्ड निकालते हैं सर POP के साथ। ओके, POP के साथ इसका मोल्ड डिजाइन उसके ऊपर छप जाता है। यस, इसको क्या करेंगे, इसके साइड में कुछ पट्टियाँ लगाएंगे, फिर इसमें POP डालेंगे तो इसका एक मोल्ड बन जाएगा, फिर मिट्टी निकाल देंगे सिर्फ मोल्ड रह जाएगा। मैं वो भी हम देखते हैं लेकिन कुछ बच्चे से भी बात करते हैं। आपका नाम बेटा? सर सौम्या। सौम्या जैन। सौम्या जैन ने ये क्या बनाया है? सर क्ले मॉडलिंग का मैं एक डिजाइन बना रही हूँ। सर ये क्ले मॉडलिंग का वर्क है। ओके। ये एक डेकोरेशन मटेरियल बना रही हूँ। ये क्या किस काम आएगा? ये डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज हो जाएगा। उसको हम किसके ऊपर प्रिंट आप करेंगी या मॉडल को? POP के जैसे बता रहे सर, सर ने आपको बताया वैसे। तो ये साथ में एक मोहतरमा ये कुछ कर रही हैं, ये हाथ से बना के पेंटिंग कलर भर रही हैं, तो बहुत सारा काम हो रहा है। ये देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, वुड वर्क भी हो रहा है। तो जितेंद्र जी हमारे लिए कुछ ये लाए हैं। ये सर ऐसे जैसे ये मिट्टी का हमने हाथ बनाया था उसका हमने मोल्ड निकाल दिया। ओके। तो ये POP का मोल्ड है, तो ये ऐसे ही ऐसे रहेगा। मैं इसके ऊपर अपना हाथ रखूं? हाँ सर, ये उल्टा। हाँ ऐसे ऐसे वाला। हाँ सर, ये अंगूठा है यहाँ पे। ये मैं थोड़ा अपना हाथ रख रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं अपना हाथ रखता जो ये इस पे प्रिंट होता। तो ये ऐसा क्यों, इसको फिर इसमें हम फाइबर डालेंगे और फिर फाइबर के भी मोल्ड निकाल सकते हैं। ओके, ये हाथ ऐसे रखा गया। इसका दूसरा एक साइड होता है, दो साइड है, अपर साइड भी है, जैसे जिसने उस समय ऐसे रखा होगा। फिर इसमें आप फाइबर डाल के इसका मोल्ड निकाल सकते हैं, जैसे वो एड में दिखाते हैं, वो हस्बैंड वाइफ का हाथ बीच में जाता है वो संभाल लेते हैं। इस तरह मतलब ये क्ले में क्ले का काम करके फिर POP में आता है, फिर इसका फाइबर मोल्ड। ये कुछ और भी काम हो रहा है, ये लकड़ी पे कुछ कर रहे हैं। आप बताएंगी अपना नाम? चंचल। चंचल, तो चंचल ये आप क्या दिखाएंगी जरा? तो ये आप, ये मैं दिखाना चाहूँगा, चंचल ने कुछ ऐसे औजारों का इस्तेमाल किया है, बहुत बारीकी में काम हो रहा है, जैसे हाथ के कारीगर नक्काशी करते हैं। क्या ये वही सब कुछ है? है वैसा ही है? तो आप सहारनपुर के जो कारीगर आप देखते हैं जो हाथ से नक्काशी करते हैं, प्रिंट मेकिंग का वर्क, प्रिंट मेकिंग, तो इसको इस ढंग से बनाया जा रहा है कि ये प्रिंट भी हो सकता है, तो हम इनको दे देते हैं। सर ये आगे जाके मतलब अभी ये जैसे ये प्लाई है, प्लाई के ऊपर हम पहले ड्राइंग करते हैं। ओके। पहले जो भी हमने करना है उसका पहले ड्राइंग करेंगे, फिर उसको प्लाई के ऊपर लेके आएंगे, उसको ड्रॉ करेंगे या ट्रेस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसको कार्विंग करेंगे। कार्विंग करने के बाद क्या होगा, जहाँ जहाँ हमें लाइट चाहिए
जहाँ वाइट चाहिए वहाँ पे हम कार्विंग कर रहे हैं। ओके ठीक है, जहाँ पे हमें वाइट चाहिए वहाँ पे हम कार्विंग कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ कार्विंग नहीं करेंगे वहाँ ब्लैक इंक लगाएंगे, उसके ऊपर इंक लगाते हैं रोलर के साथ। जैसे ये लगा रखी है? नहीं, ये भी ट्रेस किया है सर, इसका फाइनल प्रिंट लगाकर ना फिर प्रिंट लेंगे रोलर के साथ। नाम बताइए। इन लोगों ने HMV के नाम का अपने गले में डाला हुआ है, बड़े प्राउड की ये बात है। सर ये देख लो, ऐसे ऐसे आएगा फाइनल। ओके, इसका फाइनल ऐसे बनेगा जी? ये इसके ऊपर इंक लगेगा, फिर बाद में इसको हम पेपर पे छाप लेंगे। इसको छाप कला भी कह सकते हैं और प्रिंट मेकिंग भी, हाथ की नकाशी भी कह सकते हैं आप कहें तो। तो अभी ये इनकी दूसरी लैब हमने आपको दिखाई है, बहुत अचंभित करने वाले काम है जो हमें धीरे धीरे ये नज़र आ रहे हैं, जो हमें पता लग रहा है। अभी हम आपको इनकी अगली एक लैब में दिखाने वाले हैं कि आखिर ये इसके आगे काम क्या करते हैं और ये कंप्यूटर पर कैसे जाते हैं। कंप्यूटर लैब में जाने से पहले हमने इनकी एक और लैब को देखा है। इस लैब में देखिए सेम ही चीज़ है जो हमने पहले आपको दिखाई, एक मॉडल को इन्होंने बिठाया हुआ है। तो हम मॉडल से भी अभी बात करेंगे, तो आप अपना नाम बताएंगी? हरप्रीत कौर। हरप्रीत, कितनी देर से बैठी हैं यहाँ पे? मैं सुबह से बैठी हूँ 8:30 से। 8:30 से? हाँ जी, 8:30 से यहाँ बैठी हैं, 12:30 बज गए हैं। आठ जो है ये कोई आसान काम नहीं है। किसी भी चीज़ को बनाना, अपने मॉडल को देखना, मॉडल की मेहनत है और बनाने वाले की मेहनत है। आइए इस लैब में आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ, मेरे कैमरा मैन से कहूँगा पीछे ये दिखाएं तो कुछ चीज़ें बनाकर रखी हुई हैं, ये सब हाथ से बनाई गई हैं। और आइए कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं वो क्या बना रही हैं। मैं कैमरा मैन से कहूँगा वो मेरे पीछे आए, हम इनसे भी बात करेंगे। आप थोड़ा इधर आइए, आपका नाम? नैया शर्मा। बड़ा डिफरेंट सा नाम है आपका। तो नैया शर्मा जी बताइए कि ये इतना गीला क्यों है? ये चारकोल है। गीला नहीं है, ये चारकोल है। ये सूख जाएगा? हाँ ये सूखा हुआ है, बस ये सूखा हुआ है चारकोल स्टिक। ओके, तो ये आपको लगता है कि आपने ठीक बना दिया? हाँ जी हाँ जी, जब भी खेल होगा ना तो ये अच्छा बन जाएगा। अच्छा बन जाएगा। आइए कुछ और देखते हैं कैसे बना है। लगभग ये हूबहू तस्वीर बनकर सामने आ रही है, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। तबलीन कौर। तबलीन, आपने मॉडल को लगभग पेंटिंग में उतार दिया जो मुझे लग रहा है। आई ट्राई माय बेस्ट। तो ट्राई तो आप कर रही है और ट्राई बड़ी अच्छी। देखिए मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। और देखिए इसी कैमरे में आपको मॉडल भी दिखाई दे रही है, इसी फोटो में मॉडल बैठी हुई है और लगभग तबलीन ने इसको चेहरे को उतार दिया है कैनवस पे। आपके हाथ में ईश्वर ने बड़ी सफा दी है। ये देखिए कुछ और भी बनाया जा रहा है, ये अभी इन्होंने शुरू किया है। आइए काफी अच्छा इन्होंने बनाया। हेलो, कैसी हैं आप? क्या नाम है? शीना। शीना, तो शीना आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक बनाया है? काम चल रहा है, जैसे अभी सर को दिखाएंगे तो सर मिस्टेक्स बताते हैं कि यहाँ से ठीक करो, तो फिर इम्प्रूवमेंट होती रहती है काम में। फाइनल होने तक उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। मैं कुछ कमी निकाल सकता हूँ? हाँ जी श्योर। देखिए बाल आपने बिल्कुल एक्यूरेट बना दिए हैं। हाँ जी। चेहरे में 19-21 का फर्क है, लेकिन अगर इसी पे तबलीन वाला चेहरा लगा दिया है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उनका चेहरा काफी मिल रहा है क्योंकि उसकी आंखें मिल रही हैं। और ये भी आप भी काफ़ी पहुंच गई हैं, पर बहुत अच्छा। मैं इनका टैलेंट देखकर हैरान हूं कि हाथों से भी ये चीज़ हो सकती है। अगर आपका बच्चा 10+2 कर रहा है, अगर आप उसका इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स में है, तो आप हंसराज महिला महाविद्यालय कॉलेज ज़रूर आएं और देखिए कैसे बच्चे कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे उनके हाथ में ये एक जादू की कला है। आपका नाम? कनिष्का। कनिष्का का मॉडल मैं दिखाना चाहूँगा जो इन्होंने बनाया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा बहुत अच्छा बनाया है और बिल्कुल मॉडल के पैर से लेकर ऊपर तक कॉपी कर दिया है। आपका इंटरेस्ट कैसे आया इस लाइन में? आपको कैसे पता लगा कि आपके हाथ में वो बात है कि जो हम उसको पर्दे पे उतार सकते हैं? सर स्टार्टिंग से ही हमारा पैशन था आर्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग 11th-12th में आर्ट लिया था। और मैं स्कूलिंग मेरी शिव ज्योति से है, शिव ज्योति में मेरे को
फोर्थ में ऑल ओवर बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था। okay. उसके बाद मेरा पैशन काफ़ी ज़्यादा आर्ट की लाइन में रहा। सो मैंने ना फिर मेरे माइंड में था कि कुछ डिफरेंट किया जाए एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पैशन में। आप सच में डिफरेंट कर रही हैं, एक साइड पोज को इन्होंने पर्दे पर उतारा है। देखिए आर्ट की कोई कमी नहीं है, बहुत से बच्चे हैं ऐसा जो करते हैं, तो इन्होंने भी शुरुआत किया है पर इनकी भी शुरुआत अच्छी है। तो ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, एक लैब, लैब में आप देख रहे हैं बच्चे जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत से बच्चे साइंस मैथ इस सब्जेक्ट में जाने की बात करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है, चाहे वो 8th में है, 10th में है, 10+1 में है, 10+2 में है, अगर उसका रुझान फाइन आर्ट्स की तरफ है तो आप उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। आपके शहर में ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मैं आपको तीसरी लैब दिखा चुका हूँ, आपको एक चौथी लैब और दिखाने वाला हूँ कंप्यूटर पे। अब ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पे कैसे जाएंगी उस पर हम जाके देखेंगे। हम इसके बाद एक और लैब में पहुँचे हैं। आपने हाथों की कारीगरी देखी, लकड़ी को किया जा रहा है, पेंटिंग बनाई जा रही है, मॉडल को देख के किया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ इनके असिस्टेंट प्रोफेसर शैलेंद्र जी हैं, उसको कंप्यूटर डिजाइनिंग को कंप्यूटर पर कैसे करते हैं, तो मेरे साथ एंकरिंग अब ये करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए ये सर अपना माइक पकड़िए और शैलेंद्र आपको बताएंगे, मैं अपने कैमरा से कंप्यूटर पर आ जाए साथ में। जी, गुड मॉर्निंग, मैं सर डॉक्टर शैलेंद्र, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, एंड ये साइबर लैब है। इसमें हमारे पास BFA के सभी स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने आप देखिए फोटोशॉप में ये बनाया है पोस्टर, फिल्म मूवी पोस्टर कैसे क्रिएट करते हैं फोटोशॉप में, तो आप देख सकते हैं इनके लाइटिंग इफेक्ट एंड फॉन्ट्स, इन सबको कंपोज करके लेयर बाय लेयर ये काम किया है। और हमारे साथ है नैया। नैया, आपने कैसे बनाया इसको? सर, हर चीज़ को फोटो लेकर उसको लेयर को जोड़ के उसे मर्ज करके बनाया हुआ। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। नेक्स्ट आपने क्या बनाया? सर, भव्या जैन। भव्या जैन फ्रॉम जालंधर। और क्या बनाया आपने? सर, एडवर्टीजमेंट बनाई है जूसेस के ऊपर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट आपने, इसमें कौन से कलर्स के यूज़ किए? सर, इसमें जैसे मैंने वार्म कलर्स यूज़ करे हैं, येलो ऑरेंज, और ये जो मेन सब्जेक्ट है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करी। वेरी गुड, शाबाश, आपने बहुत अच्छा बनाया, वार्म कलर यूज़ किया आपने। नेक्स्ट आपका, योर गुड नेम? सर, समनदीप कौर। समनदीप कौर, आपने क्या बनाया बच्चा? फिल्म पोस्टर। सर, आप जैसा कि देख सकते हैं ये फिल्म मूवी पोस्टर बनाया इन्होंने और इसका ना टाइटल दिया है पुष्पा, और ये अभी इन्होंने कंपोजिशन अच्छी की है, कलर स्कीम भी अच्छा है और फॉन्ट को कंपोज किया है बहुत अच्छे से। वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट वर्क। नेक्स्ट आपने क्या बनाया बच्चे? योर गुड नेम? भावना। भावना, क्या बनाया बच्चे आपने? फिल्म पोस्टर। हाँ, मूवी पोस्टर, क्या नाम है, कैसे बनाया आपने इसको? विद द टूल्स ऑफ हेल्प। हाँ, ये फोटोशॉप में आपने बहुत अच्छा इफेक्ट दिया, ये इफेक्ट कैसे देते हैं? उसकी वो जो ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करके। अच्छा, ओपेसिटी कम ज़्यादा किया आपने, ओपेसिटी को कम करके लेयर को मर्ज किया। ठीक, थैंक यू सो मच। और ये आप देख सकते हैं कि इस टाइप से बच्चों ने मूवी पोस्टर, एड और डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स भी, एडवर्टीजमेंट भी, बुक कवर्स सभी बच्चों ने कंप्लीट किया है। तो आप देख रहे हैं शैलेंद्र हमें गाइड भी कर रहे थे, बता भी रहे थे, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। मैं आपको एक और चीज़ घूमकर मैं देख रहा था, बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, देखिए ये डिज्नी फ्रोजन क्या है, ये मूवी पोस्टर है, मूवी पोस्टर है जी, कार्टूनिस्ट, ये आपने बनाया है, क्या नाम है आपका? जसकीरत। जसकीरत, हाँ जी, जसकीरत, इसको बनाने के बाद हम प्रिंट कहाँ करेंगे? सर, प्रिंट हम, ये पोस्टर भी हो सकता है, हाँ जी, और किसी के बच्चों के कपड़ों पे भी हो सकता है, हाँ जी। तो लैब में आने के बाद यहाँ बच्चे सिर्फ इनके फाइन आर्ट्स के नहीं हैं, फैशन डिजाइनिंग के भी बैठे हैं, वो इस सब को एक अपनी लैब में कंप्यूटर पर ले आते हैं, फिर उसका प्रोडक्ट के हिसाब से, फिर ये प्रोडक्ट हो गए। अब जब ये लैब में आ गए तो ये प्रोडक्ट हो गए, पहले तो हाथ से नकाशी हो रही थी, काम हो रहा था, तो ये प्रोडक्ट हो गए, फिर इनको कपड़ों पे यूज़ करते हैं, लकड़ी पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी इसको करना है कर सकते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग, जस्ट लाइक डिजिटल पेंटिंग, प्रिंट पोस्टर और बुक कवर कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी लैब जो है कॉमन लैब है? ये साइबर लैब है। ये साइबर लैब है, हाँ, कॉमन लैब है। इसमें मैं वही देख रहा हूँ, कुछ दिन हमने शूट किया था, वो बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, मल्टीमीडिया के भी बच्चे काम कर रहे हैं, सीनियर्स काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे थे ये एक लैब, साइबर लैब है, जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा कंप्यूटर पड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के बच्चे यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। अभी कुछ नक्काशी का काम जो है वो शैलेंद्र हमें दिखाने वाले हैं, आइए हम आपको वो दिखाते हैं।
दोस्तों मैंने आपको दिखाया फाइन आर्ट्स की लैब, हमारी आत्मा को छू के निकल जाती हैं ये चीज़ें। नेपाल से भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, लद्दाख से यंगचेन है, बिहार से अलीना है, हमारे लोकल स्टूडेंट हैं मेघना है, इनका नाम मैं शायद भूल गया, क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल है, मैं नाम भूल गया था। लेकिन हम सब एक ही छत के नीचे हैं, हम हैं फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट, क्योंकि हम हैं HMV।